अरे मारी परम पूज्य सासू माँ, जे कुछ भी हो ऊट की कसम मारे को जे प्रतियोगिता तो जीतनी है। हाँ अरे मारी बिंदनी रामा पीर की कृपा से जीतेगी तो तू ही। और हाँ थारे को जिताने के लिए थारी नंदी को भी साथ लेकर आई हूँ। भाभी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम ही जीतोगी देखना। आहा, अरे चलो आ गए हमारे जाने दुश्मन। सासू माँ जे है मैं सुच कौशिक की पांच बहुएं। अरे ननद बहन सा आप ध्यान से देख लो इनको, और एड़ी से तो टक्कर लेनी है। ओ तो जी से चलो जरा जान पहचान कर लेते हैं। चलो 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 घनी खम्मा कर लेते हैं। आने में तुम लोगों ने, अरे कठे थे तुम सब की सब हैं। अरे मैं तो बड़ी तड़प रही थी मारी सासु माँ और ननद बहन सा से मिलवाने के लिए तुम लोगों को। अरे इनसे मिलो, जे है मारी परम पूज्य सासु माँ और जे है मारी ननद बहन सा महासुंदरी साहा। और सासु माँ जे है निम्मी और जे है करंटिया। ओ जी सत श्री अकाल। मेहरबान कद्रदान हमारी प्यारी भाभियां और माताएं, प्लीज बैठ जाइए। आपके सामने पेश है बुजुर्गों का प्यारा, अपनों का दुलारा, यारों का यार और सबके दिलों की धड़कन अभिमन्यु। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस बार बहु ओलंपिक्स आपके मोहल्ले में हो रहा है, क्योंकि इस मोहल्ले से हमें मैक्सिमम एंट्रीज मिली है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जयपुर की बहुओं का, जिन्होंने घर को घर, परिवार को परिवार और जयपुर को जयपुर बनाया। मुझे देखकर अपनी बढ़ी हुई दिल की धड़कनों को थाम लीजिए, अपने मन की लगामों को कसकर पकड़ लीजिए, क्योंकि अब होने वाला है डबल धमाका। जो तीन टीम्स फाइनल में जाएगी उनके नाम है आरती के मिर्ची बड़े, हमारी दूसरी टीम है भंडारी की बाटियां, और हमारी तीसरी टीम होगी कौशिक की करारी खस्ता कचोरियां। निर्णायिका जी हमें कुछ कहना है। वो कौशिक परिवार की पांचों बहुएं एक दल में नहीं है। एक दल में हम और हमारी देवरानी रिया है, और दूसरे दल में बाकी के लोग। इसके बारे में हम ऐसे ही फैसला नहीं ले सकते, हमें इसके लिए विचार विमर्श करना होगा। सच, इनकी परिवार की असलियत इस तरह सामने आएगी सोचा भी नहीं था। बहुत विचार विमर्श करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, इस तरह दो टीम बनाकर खेलना नियम के विरुद्ध है, इसलिए
कौशिक परिवार की बहुओं की टीम को हम डिस्क्वालिफाइड करते हैं। और इसीलिए अब इस प्रतियोगिता के लिए हमें एक नई टीम का चयन करना होगा। What? अब क्या होगा रिया? भाभी, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि घर का झगड़ा घर में रखिए, लेकिन आप लोगों ने एक नहीं सुनी। देखना ना, सबके सामने होगी बेइज्जती। अब टैक्स भरो बैठ के 8.5 लाख रुपया। ओए, मैंने क्यों सुना रही है? मैं की कितना है? जिसने किया उसको तो कुछ बोल ही नहीं रही है। मैं तो अब भी कह रही हूँ, सब कुछ भुला दीजिए और हाथ मिला लीजिए। अगर मिलके लड़ेंगे ना तो ये कॉम्पिटिशन यूं जीत जाएंगे। हाँ, को तुम्हें खिलाना ही पड़ेगा, वरना हम ये प्रतियोगिता होने ही नहीं देंगे। अरे, हमारी सासू माँ ने एक बार कह दिया ना, अब तो जज साहिबा को मानना ही पड़ेगा, और नहीं तो के? ये अचानक आरती का हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? वो भी एकदम हिंदी फिल्मों की तरह। ये हमारी तरफदारी क्यों कर रही है? कभी नहीं सोचा था कि वो दिन आएगा जब अपने बेगाने हो जाएंगे और बेगाने अपने। ठीक है, अब हमने आरती की मिर्ची वड़ों की विनती पर अपना फैसला बदल दिया है और अब हम कौशिक परिवार की खस्ता कचौड़ियों को 2 टीमों में खेलने की इजाजत देते हैं। आपस में सीधे में बात तक नहीं कर रही है, वो कैसे खेलेंगे साथ में? मारे को पता है तू क्या सोच रही है। थारे को डर लग रहा है ना कि पांचों मिलजुल कर एक दल में कैसे खेलेंगे। पर बिंदनी, तू अपनी जेठानियों को नहीं पहचानती। अरे, जब भी कोई बाहर वाले से सामना हो जाए ना तो ये गिले शिकवे भूल कर सब एक हो जाती है। अरे, बरसों से एक दूसरे का साथ निभाने की आदत है, इन छोटे मोटे मनमुटाव से बदल थोड़ी ना जाएगी। मतलब? अरे, 2 दल बनेंगे ना, पढ़ने दे। आमने सामने आते ही दोनों को एक दूसरे की कदर समझ में आ जाएगी। अम्मा साहब ठीक कहती थी, इन्हें आज एक दूसरे की कदर पता चलेगी। लवली, हमारे साथ खेलेगी। ओ जी, मेरी टीम में, भाभी हमारे दल में। ओ खींच ना। लवली निम्मी की टीम से खेलेगी। लवली, इन दोनों ने अपनी जोड़ी बना ली, इन दोनों ने अपनी जोड़ी बना ली, और तू तो अकेली रह गई है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। लवली हमारे दल में है, वो हमारे साथ खेलेगी। यस यस, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। लवली हमारी टीम में है ना लवली? अरे, ऐसे कैसे? निम्मी भाभी, कहना भाभी की ना जबान फिसल गई है। लवली ना हमारी टीम में है। हाँ,
रिया अपनी जेठानी से कह दो ये प्रतियोगिता है कोई पराठा नहीं जो मक्खन लगाई जा रही है। करंगिया अपनी जेठानी को कह दो कि निम्मी को ना किसी को मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है ना तो लवली से खुद ही पूछ लो। लवली तू किसकी टीम में बता दे इन सबको। रिया लगता है तुम्हारी जेठानी ने सुना नहीं लवली हमारे साथ खेलेगी। ओ जी मेरी टीम में भाभी दल में ओ खींच ना ओ जी मेरी टीम में लवली निम्मी की टीम से खेलेगी। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो? बिंदनी बिल्कुल ठीक कह रही है लवली निम्मी का साथ देगी। हाँ मॉम जी ये करेक्ट नहीं है ना इनकी टीम में तीन लोग और हमारी टीम में दो लोग। दिस इज सो अनफेयर ये अन्याय है। अरे ये अन्याय क्यों और थारे को किसने कहा कि गहना बहू की टीम में सिर्फ दो लोग हैं? परमा सर हमारे दल में तो दो ही हैं हम और रिया तीसरा है कौन? अच्छा तो फिर हम किसके दल में हैं? किस दल में हम मासा मतलब आप? हाँ हम तुम्हारी टीम से खेलेंगे। सच मासा ये तो बहुत बढ़िया है। अरे हाय हाय काकी सा अरे ये कैसे हो सके? ऊंट की कसम आप ना खेल सको हाँ इस प्रतियोगिता में। आप थोड़ी ना बिंदुनी है आप तो सास है सास। अरे किसने कहा कि ये सिर्फ सास है? ये हमारी बिंदुनी है इस हैसियत से खेल सकती है। जब थारी सास और थारी ननद थारे टीम में खेल सकती है तुम्हारी बिंदुनी हमारे टीम में क्यों नहीं खेल सकती बता? खेल सकती है चल कहना बहू हमारी बिंदनी का नाम अपने दल में लिखवा चल। जी अम्मा सा अभी आइए अम्मा सा। तो माताओं बहनों और हमारी चुलबुली भाभियों हमारे जजेस ने कुछ फेर बदल किया है तो अब बहु ओलंपिक्स में तीन नहीं पर पूरी चार टीम्स हिस्सा लेंगी और हमारी तीसरी टीम होगी कौशिक की खस्ता कचोरिया और कौशिक की करारी कचोरिया। ये कंपटीशन शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। इस कंपटीशन में सिर्फ एक ही टीम जीतेगी। सारी टीम्स को सिर्फ एक ही टास्क दिया जाएगा। जो टीम इस टास्क को सबसे पहले और सबसे अच्छी तरह से निभाएगी उसे अंत में विजय घोषित किया जाएगा। और हाँ अगर किसी भी टीम ने मक्कारी या चीटिंग करने की कोशिश की तो उसे बहु ओलंपिक से बाहर कर दिया जाएगा। ईश्वर करे बस सब कुछ वैसा ही हो जैसा हमने सोचा था। हाँ हाँ ऐसा ही होगा बिंदनी। अब शुरू होता है बहु ओलंपिक्स का पहला राउंड। बहुत ही आसान सा राउंड है। इस राउंड में हम चारों टीमों को एक व्यंजन बनाने के लिए कहेंगे। आपको बनाने के लिए जो पकवान दिए जाएंगे वो हिंदुस्तानी नहीं इटालियन होगा। तो अब शुरू होता है बहु ओलंपिक्स का पहला राउंड और इसके बारे में आपको बताएंगे हमारे जजेस। बहुत ही आसान सा राउंड है। इस राउंड में हम चारों टीमों को एक व्यंजन बनाने के लिए कहेंगे।
और उस व्यंजन के लिए हम चारों टीमों को बराबर पैसे देंगे। इस पैसों से आप लोगों को जाकर उस व्यंजन के लिए लगने वाली सामग्री लानी है और उसे तैयार करना है। इस चीज के लिए हम आपको सिर्फ देंगे 45 मिनट। जिस टीम का पकवान सबसे स्वादिष्ट और अच्छा बनेगा वही टीम अगले राउंड में जाएगी। ये प्रतियोगिता तो हम आसानी से जीत जाएंगे। किफायती और खाने में कोई हमारा हाथ नहीं पकड़ सकता, है ना? I'm sure, भाभी, they're gonna win. हमारी भारतीय नारियों, इतना खुश मत होइए, क्योंकि आपको बनाने के लिए जो पकवान दिए जाएंगे वो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि इटालियन होगा। तो कमर कस के तैयार हो जाइए और भूल जाइए दाल बाटी और चूरमा को, और जयकारा लगाइए पिज्जा और पास्ता का। ओए होए, ओ लो जी, हम तो ऐसे बैठे बैठे ही जीत गए। लवली का इटालियन पास्ता खाकर तो जज उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। हाँ, अभी आप टेंशन क्यों ले रही हो? आपकी टीम में मैं हूँ। मैं बनाऊंगी ना इटालियन खाना। अरे हाँ, हम ऐसे ही परेशान हो रहे थे, हम तो भूल ही गए कि विदेशी खाना तुम्हें आता है बनाने के लिए। हम जीत जाएंगे रिया। हाँ है ना मासा? जे बात, जिसे कहते हैं फूट डालो और राज करो। देख लेना इन जंगली बंगलियों की लड़ाई में जे बंदरिया सारा मकर डकार जाएगी। आप तो क्या हमारी बहुओं की टीम तैयार है? तो सभी लोग अपने पेन और पेपर उठा लीजिए और चैलेंज के लिए तैयार हो जाइए। रिया जी, एक कराओ ना। और उस डिशेस के नाम लिख लीजिए जो आपको बनाने हैं। हाँ, तो आपको बनाना है मशरूम स्पेगेटी इन चीज सॉस। और टमेटो पास्ता विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, गार्लिक ब्रेड एंड सैलड। सलाद? मासा, सलाद तो हम बना सकते हैं। और सैलड मतलब प्याज टमाटर का कचुमन नहीं, आपको प्रॉपर इटालियन सैलड बनाना होगा विद ड्रेसिंग। पर ये कपड़ों वाला सलाद, वो कहा ना इसने ड्रेस। अरे चिंता मत करो, रिया बहू सब बता देगी। भाभी, ड्रेसिंग यानी मसाला। और क्योंकि ये पहला राउंड है, आपको थोड़ा ज्यादा समय दिया जाएगा और इसके लिए आपको सिर्फ 500 रुपए का बजट दिया जाएगा। तो अब आप लोग अपने घर जाइए और कल ठीक सुबह 9 बजे अपने रेसिपीज लेके इधर आ जाइए। आप अपने डिशेस अपने हिसाब से बना सकती हैं, लेकिन नंबर तो तभी मिलेगी जब आपके डिशेस का स्वाद और प्रेजेंटेशन हमारे जजेस के दिल को छू जाएगा। अरे ये बात, हाँ बिल्कुल। तो ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं। ओजी, थैंक यू थैंक यू। ओए लवली, तू सब बना लेगी ना? अरे निमी भाभी, ये भी कोई पूछने वाली बात से? अरे ये सब अंग्रेजी खाने बनाना तो लवली अच्छे से जानती है ना लवली? हाँ बना लूं, इसमें क्या है? भाभी वरी नॉट, ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब कल क्या होगा कुछ पता नहीं। हे भोले बाबा जी, सब कुछ ठीक कर देना। भाभी नेट तो बहुत स्लो है, साइट खुल नहीं रही है। जल्दी करना लवली, ये स्लो से तो तू तेज तेज करना। ओए होए, गई भैंस पानी में। अब समझाओ इसको। हाँ भाभी, ये तो बंद हो गया। लगता है मैं बिल भरना भूल गई। तेरी की तू बड़ी लापरवाह हो गई है, और लापरवाही का नतीजा देखा। सॉरी भाभी, लेकिन अब क्या करेंगे? हेलो
मॉम आपने मुझे कुकरी की कितनी सारी बुक्स दी थी है ना, लेकिन क्या फायदा, उनमें से किसी में भी ना इटालियन खाने की एक भी रेसिपी नहीं है, एकदम बेकार है सबकी सब। अरे तो मुझे क्या पता था कि तेरे ससुराल वालों को इटालियन खाने का शौक होगा। नहीं मॉम किसी को शौक नहीं है, पर वो क्या है ना, हम सब बहुओं ने बहु ओलंपिक से पार्टिसिपेट किया है और वहाँ हमें इटालियन खाना बनाना है, मशरूम स्पेगेटी विद चीज सॉस, टमेटो पास्ता विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, ब्रेड, गार्लिक ब्रेड एंड सॉल्ट, ये सब। अब मैं ये सब कैसे बनाऊं? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आकर तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ, तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्या आप आ रही हैं? हाँ हाँ कहाँ ना ले आऊंगी, वैसे भी मुझे वहाँ आना ही था। लेकिन मॉम प्लीज जल्दी आना। हाँ अरे तो फोन तो रख पहले। ठीक है बाय। क्या हुआ? मॉम आ रही है इटालियन खाने की बुक लेकर। ओए होए की पांच बहू।